हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनिकेत टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ पोको वर्सेस टेक्नो। जी हाँ, पोको और टेक्नो दो ब्रांड्स के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि किस ब्रांड में क्या खासियत है, किस ब्रांड में क्या ज़्यादा प्रॉब्लम है और किस ब्रांड का फ़ोन आपको लेना चाहिए। तो अगर आप दोनों ब्रांड्स के फ़ोन को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो ये बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ, आई होप कि उस जानकारी के बाद आपको फ़ोन लेते समय काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात कर लें सबसे पहले हम पोको की। तो जो पोको स्मार्टफोन कंपनी है वो सब ब्रांड्स है रेडमी का। जी हाँ, रेडमी का आप एक तरह से भाई भी बोल सकते हैं पोको को, क्योंकि दोस्तों जो पोको है, इस पोको को शाओमी, इसको हम एमआई रेडमी भी कहते हैं, शाओमी ने ही इसको अपना लॉन्च किया हुआ है। इसको शाओमी ने इसलिए मार्केट में उतार रखा है क्योंकि रियलमी एक तरफ से लगातार कंपटीशन दे रहा था रेडमी को, तो उसको काउंटर करने के लिए रेडमी ने अपना एक स्ट्रेटजी अपनाई और पोको नाम से नया ब्रांड रीब्रांडिंग की ताकि पोको टक्कर दे सके और इनके रियलमी को, क्योंकि रियलमी लगातार उसी प्राइस पर फ़ोन दे रहा था, लगातार उसी गिरा रहा था। लेकिन उसको जब नहीं हो रहा था कुछ डिफेंसिव, तो उसके बाद रेडमी ने क्या किया, उन्होंने अपना एक नया ब्रांड पोको ही लॉन्च कर दिया। वो खासकर उन्होंने रियलमी को टारगेट करने के लिए ऐसा किया था क्योंकि रियलमी लगातार उसी प्राइस पे फ़ोन दे रहा था जिस प्राइस पे रेडमी दे रहा था। तो ये थी इनके पीछे की बैकग्राउंड। अब बात करें दोस्तों पोको के स्मार्टफोन्स के बारे में। तो पोको हाँ, स्मार्टफोन अच्छे बनाता है, पोको स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि लोगों में इसका भरोसा भी थोड़ा सा कम है क्योंकि ये कंपनी अभी उतनी ज़्यादा लेवल पर नहीं है। हाँ, ग्रो कर रही है लेकिन अभी उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पा रही है जिस हिसाब से सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रेडमी हो गया। इनके हिसाब से अभी इसकी जो एक भरोसा कह सकते हैं वो अभी लोगों के बीच में थोड़ा सा कम है पोको को लेकर। और दूसरी तरफ दोस्तों बात कर ले हम जो टेक्नो ब्रांड की, दरअसल टेक्नो और पोको दोनों का मोटिव सिर्फ एक ही है दोस्तों, क्योंकि कम पैसे में वो एक अच्छा स्मार्टफोन कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, इस स्ट्रेटजी का वो काम करते हैं। क्योंकि इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मिडिल रेंज में फ़ोन लेना पसंद करती है, इसलिए लोअर मिडिल क्लास में, इसीलिए वो लगातार कम पैसे में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ वो स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं दोनों ब्रांड्स। और जो टेक्नो अपने स्मार्टफोन की प्राइस तो कम लगता है, लेकिन टेक्नो में एक जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो ये कि टेक्नो के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं। कहने का मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा भारी भरकम बैटरी लगा रखी है फ़ोन पे कि इसकी वजह से उसका जो थिकनेस है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। अब वही बात करें उस तरफ अगर हम इनकी पोको की, तो पोको जो है अपना स्मार्टफोन बैटरी देता है 5000 अपने हिसाब से देता है वो, लेकिन उसमें जो है उसके फ़ोन स्लिम होते हैं। और वही टेक्नो भारी भरकम फ़ोन बनाता है, उसका स्पार्क आप वर्जन देख सकते हैं, काफ़ी हैवी लगता है फ़ोन आपको हाथ में लेने में ही। और दोस्तों बात करें सर्विस के मामले में, तो सर्विस थोड़ा सा पोको जो है बेहतर बैठता है टेक्नो से, क्योंकि टेक्नो जो है दोस्तों अभी टेक्नो को इतना सर्विस सेंटर है नहीं और टेक्नो इतना ज़्यादा अपडेट अपने जो सॉफ्टवेयर है उस पर देता भी नहीं है। और वही बात कर लें पोको की, तो पोको समय समय पर अपडेट भी देता रहता है। और इसके पीछे जो बताया मैंने आपको स्टार्ट में कि शाओमी कंपनी है, तो जो सारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो शाओमी का सपोर्ट बैक से होता है पोको के लिए। लेकिन जो टेक्नो है, टेक्नो एक अकेली कंपनी है और उसमें अभी उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि उनके स्मार्टफोन मैंने चलाए हैं, मुझे कुछ खास फील नहीं आया। अगर आप कंपेयर करेंगे एमआई से, वीवो से, ओप्पो से, तो कहीं टक्कर लेने के लायक मुझे लगा नहीं टेक्नो। तो दोस्तों ऐसे में आपको मैं प्रिफर करूँगा कि अगर आप ये आपकी पसंद चॉइस हो सकती है, मुझे पोको के फ़ोन ज़्यादा बेस्ट लगते हैं टेक्नो से। दोस्तों ये थे दोनों के बीच का कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो अपने चैनल पर डेली अपडेट करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।